फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और आपके पेट्स भी सही सलामत होंगे। तो मेरे हाथ में ये है एक सीरियन फीमेल हैमस्टर, इसने अभी 10 बेबीज दिए हैं। तो उनकी हम कैसे केयर कर रहे हैं, क्या करना चाहिए जब हैमस्टर बच्चे दे, सारा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही पेट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हमने अपने बच्चे को देखने आ गए हम लोग अपने बच्चों को। ये क्या कर रहा है भालू जैसा, सारा छिलका वगैरह लगा के बैठा है, वो भी सोया हुआ है। और आज लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं हमारी फीमेल की डिलीवरी होने वाली है। थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा था इसके अंदर से, तभी मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे कि अभी आज वीडियो बनाया, क्या सीन है देखते हैं पहले। हाँ, बच्चे भी दिए हैं तो हमने रखा था इसको इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर का सीन देखते हैं। अरे बाप रे, तो फ्रेंड्स गजब हो गया। शायद एक बच्चा मर चुका है, ये वाला। हाँ, इसकी डेथ हो गई है और इसकी हालत भी काफ़ी सही नहीं है। ये वाला तो बच्चे कितने दिए पहले वो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1, 9। नौ बच्चे दिए लगभग। हाँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 बच्चे हैं। ओह सॉरी, एक उसके मुंह के पास है, एक उसके मुंह में है। ठीक है, तो हमें ये जो है पूरा सेटअप जो है इसको साफ कर लेना है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले हमने क्या किया था, जो मेल थे मेल्स को हमने अलग कर दिए थे। लगभग 10-15 दिन तक हमने मेल को फीमेल के साथ रखा था, फिर हमने फीमेल को पूरा सेपरेट कर दिया था। तो इसने क्या किया, यहाँ से काट लिया है और काट के इसके अंदर इसने इस तरह से बच्चे दिए हैं। तो हम इसको पहले पूरा साफ़ करेंगे और ये मरा हुआ जो बच्चा है इसको हम फेंकेंगे। तो पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पर लकड़ी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम जो फीमेल है इसको पहले हम हटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे एक और बच्चा है, उसको भी हम लेके यहाँ पे छोड़ देते हैं। और ये जो गंदगी इसके अंदर है पूरा साफ करके आते हैं पहले, ये हम रखते हैं। इसको भी रख दिया, ये डाल दिया इसके अंदर, बिछा दिया अच्छे से ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। तो पहले हम फीमेल को अलग करेंगे। ठीक, तो फीमेल को पहले पकड़ लेना है। ये हमने फीमेल को पकड़ लिया, यहाँ पे इसको रख दिया। अभी हम पहले इसका केज बंद करते हैं। अब ये जो बच्चे हैं इनका हम क्या करते हैं आप देख सकते हैं, एकदम लाइव दिखा रहे हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। एक एक बच्चा लेना है, अच्छे से साफ करना है बच्चों को। वो थोड़ा चिपक गया, कैंची से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं। ये एक है जो कि अनमैच्योर हुआ है। ठीक है, ये बचेगा कि नहीं हमें नहीं पता है, पर रखते हैं इसको। और ये जो बच्चा है इसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मरा हुआ बच्चा है और वाइट कलर का था, तो इसको हम साइड में फेंक देते हैं पहले और इसको साफ करते हैं। पहले इसके अंदर बैठा देते हैं, इसको बैठाया। अब इसके अंदर हम बिछा देते हैं सही से। ठीक है, फीमेल इसके अंदर ही है, तो
अच्छे से पहले बिछाना है। अब यहाँ पे जो है हम सारे बच्चों को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को, ये दो बच्चों को रख देते हैं। अब इसका क्या सीन है, ये हटा देना है, इसको छुड़ा देना है पहले। यहाँ पे हमने रख दिया, इसको घर के अंदर लेके जाते हैं। पहले घर के अंदर लेके आ चुके हैं बच्चे, यहाँ पे है एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है, फेंक दिया मैंने। और शायद ये कलर का जो है थोड़ा ज़्यादा जो रेड कलर का है, ये भी डेथ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। फीमेल अभी इधर उधर घूम रही है, मेल को हमने अलग रखा है। अब यहाँ पे वाटर फीडर आपको ज़रूर लगाना है जब बच्चे दे दें, वैसे आपको फीडर लगा के ही रखना चाहिए। और पानी साफ़ सुथरा रहना चाहिए हर टाइम, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो मेन टॉपिक है कि अब इनको हम खाने में क्या डालें, ठीक है, तो वही आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने वाटर फीडर लगा दिया है, बच्चे यहाँ पे सारे एक्टिव हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। इसकी माँ जो है वो थोड़ी वीक हो चुकी है, ये देखिए कोने में छुप के बैठी है। तो अभी हम इसको डाइट क्या देंगे, क्या डालेंगे खाना में, वही आपको दिखाते हैं। ये जो है ये है सनफ्लावर सीड, इसके अंदर जो है बजीज बट के मिलेट दाने हैं, ठीक है। ये देखिए जो बजीज बट को हम डालते हैं, और ये है भीगे हुए चने, ठीक है। ये सब हम अभी इसको देंगे खाने के लिए। ये देखो हमने इसको दे दिए हैं, और ये देखो अपना खा रही है मस्त, अपना सारा खाना मुंह में ले लिया इसने, फिर बाद में खाती है। यही इनमें खासियत है, और इसके वजह से ये दिखने में इतने क्यूट होते हैं। तो अब हम इसको क्या डालेंगे, ये जो खाना हमने डाल दिया अभी, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको क्या डालेंगे, दोपहर को अंडा डालेंगे इसको, ठीक है। उबला हुआ अंडा, उसका येलो पार्ट हम हटाएंगे और वाइट वाला पार्ट हम इसको डालेंगे। और ये जो है ये प्लास्टिक का केज है, इसके अंदर हम इनको अच्छे से देखभाल करके रखते हैं। पर अगर हो सके तो आप लोहे का जो केज होता है स्टील का, वही आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये केज तोड़ के निकल सकता है। देखिए प्लास्टिक का केज इसने काट के कैसे क्या किया है। तो ये सेटअप जो आप देख रहे हैं ना, ये सेम सेटअप आप भी बना सकते हैं। बस ये जो केज है मेरा प्लास्टिक का बास्केट, इसकी जगह आपका लोहे का केज होना चाहिए तो सही रहेगा। प्लास्टिक का अंदर एक दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होल्ड कर लेगा, उसके अंदर वो अपना सेफ्टी से रहेगा। तो देखिए बच्चे के साथ ये काफ़ी खुश है कि नहीं, देखिए कितना खुश लग रहा है, और एक्टिविटी भी अच्छी है। तो हम आप लोगों को लाइव वीडियो दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए बिंदास अपने बच्चों के साथ ये है, ठीक है। तो ये जब प्रेग्नेंट हो चुकी थी तब से हमने इनको अलग कर दिया, इस फीमेल को पूरा सेपरेट रखता हूँ मैं तब से। देखिए ये अपने बच्चे को साफ़ सुथरा कर रही है अभी, ठीक है ना। तो मेल फीमेल आपको रखने हैं, उनको 15 दिन तक एक साथ रखने हैं जो एडल्ट हो चुके हैं। 15 दिन तक एक साथ रखेंगे तो उनका मेटिंग हो जाएगा। फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाएगी, 15 दिन के अंदर ही हो जाती है वैसे, फिर क्या करना है उसको आप अलग कर दें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो हैमस्टर ब्रीडिंग करना चाहते हैं या हैमस्टर पालना चाहते हैं या नए ऑनर हैं, तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।